हमारी दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव मौजूद है। ये जितना एक दूसरे से देखने में अलग होते हैं, उतना ही ज्यादा इनके स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता है। कोई जीव अपनी बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, तो कोई बॉम्ब की तरह फटकर दूसरों की जान ले लेती है। तो इन अजीबोगरीब जानवरों से जुड़ी अनोखी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। अगर आप मगरमच्छ के पेट का एक्सरे निकालते हैं, तो इसके पेट के अंदर अलग अलग प्राणियों के मांस के अलावा छोटे बड़े पत्थर भी देखने मिलेगा। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पत्थर उस मगरमच्छ के अनजाने में नहीं बल्कि मगरमच्छ ने जानबूझकर खाया है। पर आखिर मगरमच्छ इन छोटे बड़े पत्थरों को खाते क्यों है? रिसर्चर्स और साइंटिस्टों की माने तो मगरमच्छ इन पत्थरों को खाकर अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे इसके शरीर को पानी के अंदर छुपा के रखने में आसानी हो। मतलब कि पेट वाले पोजीशन में उसका वजन काफी बढ़ जाता है, जिससे मगरमच्छ की आंखों को छोड़कर उसका पूरा शरीर पानी के अंदर आसानी से छुप सकता है और वो बड़ी ही आसानी से शिकार के ऊपर हमला कर पाता है। कुछ साइंटिस्ट ये तक कहते हैं कि मगरमच्छ शिकार को पूरी तरह निकल जाता है, इसलिए खाना हजम होने में भी काफी समय लगता है। खाना हजम करने में आसानी हो इसलिए मगरमच्छ इन पत्थरों को निगलते हैं, जो पेट के अंदर ग्राइंडर की तरह काम करता है और शिकार के हड्डी को तोड़कर एकदम डस्ट बना देता है, जिससे मगरमच्छ खाने को बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर सके। एंट डेथ स्पाइरल। बचपन से हम सभी ये देखते आए हैं कि चींटियां हमेशा एक झुंड होकर खाने की खोज में निकलता है। यूं तो उनके कंपाउंडाइज होने के चलते वो ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन आखिर वो अपने घर वापस लौटने में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि वो चलते वक्त अपने शरीर से फेरोमोन नाम के केमिकल रिलीज करते हुए जाता है और इसी वजह से वो इसी फेरोमोन की खुशबू का पीछा करके वापस लौटने का रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अगर कोई चींटी गलती से अपने रास्ते से भटक जाए, तो तब वो चींटियां फेरोमोन्स की तलाश में पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगता है और वहाँ पे मौजूद बाकी चींटियां भी उसे फॉलो करके इस तरह से गोल गोल घूमता रहता है। चींटियों को लगता है ऐसा गोल गोल घूमने से वो कभी न कभी अपने घर तक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत समय तक गोल गोल घूमने के चलते थकान और भूख के मारे वो चींटियां वहीं पर दम तोड़ देती है। वो कभी भी इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाती, इसीलिए चींटियों के इस बर्ताव को एंट डेथ स्पाइरल कहा जाता है। म्यूटेंट एंट। म्यूटेंट्स का नाम आपने एक्समैन मूवीज में तो जरूर सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ आज किसी और ही चीज की बात कर रहा हूँ। उत्तर पूर्व एशिया के बोर्नियो आइलैंड में मौजूद इस एंट के पीछे की तरफ म्यूटेंट टैंक्स होता है। ये असल में एक तरह का खतरनाक टॉक्सिन है। अपने आसपास खतरा महसूस करते वक्त ये चींटी अपने दुश्मनों के ऊपर अपने पीछे मौजूद म्यूटेंट टैंक्स को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे दुश्मनों की मौत हो जाती है। इसलिए इस तरह के एंट को बॉम्ब की तरह फटने वाला एंट भी कहा जाता है। जब भी इन चींटियों को लगता है कि कोई शिकारी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो तब पहले ये चींटियां एक बार अपने शरीर के पीछे वाले हिस्से को उठाकर शिकारी को वार्निंग देती है। अगर इससे काम नहीं बना, तो उसके साथ एक और चींटी मिलकर शिकारी को एक तरफ से रोकने की कोशिश करेगा और पहले वाली चींटी बॉम्ब की तरह फटकर टॉक्सिक केमिकल दुश्मन पर स्प्रेड कर देगा। पर इससे ना सिर्फ वो शिकारी मर जाएगा, बल्कि वो चींटी भी एक तरह से आत्महत्या कर लेगी। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें, तो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है। तो इंसानों की तरह जानवरों की कुछ प्रजातियों में भी अपने बच्चों के लिए खुद की जान दांव पे लगा देते हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है मेडिटेरेनियन की डेजर्ट स्पाइडर। इस प्रजाति के मादा मकड़ी अंडे देने के बाद अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती है और यही उसकी मौत की कारण बन जाती है। असल में ये मादा मकड़ी जरूरी खाना खाने के बाद उस खाने को अपने बच्चों के लिए पेट में ही स्टोर करके रखती है। बाद में वो मादा मकड़ी अपने मुंह से खाना निकालकर बच्चों को खिलाती है और ऐसा बार बार करने के चलते उन बच्चों को पता चलता है कि खाना असल में माँ के मुंह से नहीं बल्कि पेट से निकल रहा है। और तब सभी बच्चे धीरे धीरे माँ के पेट के अंदर जाना शुरू करता है और खाना खाने के साथ साथ वो अपने माँ को भी अंदर से पूरा खा लेते हैं। मादा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक लौता ऐसा प्राणी है जो बहुत ही छोटे होल्स में से आसानी से खुद को आजाद कर सकता है। एक मादा ऑक्टोपस जब अंडे देता है, तो वो अपने अंडे को रक्षा करने के लिए खुद की जान भी दांव पे लगा देती है। ऑक्टोपस एक बार में करीब 80,000 अंडे देती है और अंडे देने के लिए ऑक्टोपस किसी पत्थर के नीचे या फिर समुद्री गुफा में चली जाती है। अंडे देने के बाद वो उन अंडों को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती और अंडे देने से लेकर उनके परवरिश तक वो खुद के लिए शिकार ढूंढना छोड़ देती है। लेकिन वो सिर्फ तभी शिकार करती है जब कोई शिकार खुद से उसके पास आती है। इसलिए जब भी कोई मादा ऑक्टोपस अंडे देती है, तो वो काफी समय तक भूखी रहती है। भूख के मारे वो कई बार खुद के हाथ पैरों को खाने से नहीं हिचकिचाती या फिर खुद को बेहोश करने के लिए भारी पत्थरों से अपने सर पर जोर जोर से वार करती है। मादा ऑक्टोपस ऐसा इसलिए करती है ताकि वो भूख की वजह से खुद के ही अंडों को ना खा ले।
और बच्चे बड़े होने के साथ साथ मादा ऑक्टोपस भूख की वजह से ही मर जाती है। ऐसा लाइफ साइकिल ज्यादातर मादा ऑक्टोपस की जिंदगी में देखने जरूर मिलेगा। बचपन में हम सभी ने गाय या काउ को लेकर एक बार के लिए तो पैराग्राफ राइटिंग जरूर किया होगा, क्योंकि ये हमारा सबसे मशहूर डोमेस्टिक एनिमल जो है। लेकिन इसी गाय की एक खासियत है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूसबर्ग एसन के डॉक्टर्स ने गूगल अर्थ सैटेलाइट के थ्रू इनके बारे में एक रहस्यमय चीज नोटिस की है। तो ये सैटेलाइट इमेजेस 6 महाद्वीप के 308 साइट से ली गई है, जिसमें यूरोप, अमेरिका और भारत भी शामिल है। इन तस्वीरों में देखा गया है कि गाय हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके ही घास खाती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में धरती का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, लेकिन गाय इसी डायरेक्शन में घास क्यों खाती है ये अभी भी रहस्य बना है। मगर कुछ साइंटिस्टों का दावा है गाय ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में खड़ा होने से गाय के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में खाना खाने से इनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। गाय ऐसा क्यों करती है इसका पुख्ता कारण आज के समय किसी को नहीं पता। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इन सब जानवरों के अजीबोगरीब हरकतों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।